मैडम जी, आज की रिपोर्ट के बारे में आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए थी। आज का दिन कहना चाहिए बड़ा सुकून का दिन है कि आज हमारा कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं आया है और हम बड़े रिलैक्स हैं। बस एक ही है कि आज हमारा एक डेथ हो गया है और वो है जानसापुरा का। डेथ रिपोर्ट हमारी ऐसी करके हमारी 31 हो गई है। आज दिनांक तो जो हमने सैंपल लिए हैं उनकी 3343 संख्या है और सैंपल की जो रिपोर्ट अभी आज दिनांक तक जो प्राप्त हुई 2995 है। हमारे जो नेगेटिव सैंपल्स की जो संख्या है वो आज दिनांक तक 2446 है और जो हमारे रिजेक्ट हुए अभी तक जो सैंपल है 350 है। हमारे जो पॉजिटिव पाए गए संख्या चूँकि जो कल हमारी 156 थी वो यथावत वैसी बनी हुई क्योंकि आज हमें कोई पॉजिटिव नहीं मिला है। हमारी आज 50 रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें से हमारे जो 43 नेगेटिव है, हमारे 4 रिजेक्टेड हुए हैं और 3 हमारा प्रेजेंटली पॉजिटिव है जिनका आज हमने सैम्पलिंग फिर से भिजवा दिया गया है। हमारे जो पॉजिटिव सिम्प्टोमेटिक एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट है सारी जो हमारे है वो 80 हमारे PTS में भर्ती हैं और माइल्ड जो सिम्प्टोमेटिक है वो हमारे 13 पेशेंट भर्ती हैं जो कि हमारे RD-GRD में भर्ती हैं। हमारा जो कुल होम क्वारंटाइन जो पेशेंट्स की गिनती है वो 1012 हो गई है। स्वस्थ होकर हमने आज दिनांक तक जो डिस्चार्ज किए हैं वो हमारे करीब 16 पेशेंट हैं। एक इंदौर से भी हमारा पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे रतलाम की रिपोर्ट हमें जल्दी मिलेगी। हमारे जो पॉजिटिव पेशेंट जो रतलाम में मिले थे 3 पेशेंट उनकी रिपोर्ट क्या रहेगी। तो इस तरह से हमारे ज़िले का जो हम प्रतिदिन बुलेटिन जारी करते हैं अब हमने सुबह शाम बुलेटिन जारी कर दिया गया है और उसमें हमें सभी को अपडेट मिल जाता है और आज का दिन मैं सोचते हैं कि बहुत हमारा सफलपूर्वक है। हमारा एक प्लस पॉइंट ये हो गया है कि हमारे 3-4 दिन से जो रिपोर्टिंग है वो RD-GRD से चालू हो गई है और उसमें हमें कम से कम 50 से 100 के बीच में हमारी मैक्सिमम रिपोर्ट 100 तक हमारी उसकी कैपेसिटी जो कर रही है हमारी पैथोलॉजिस्ट वहाँ पर। तो हमारे जो रिपोर्ट है ज़्यादा डिले नहीं हो रही है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम बहुत जल्दी कोरोना की रिपोर्ट प्राप्त करके हमारे जो उज्जैन के जो पॉजिटिव मरीज़ हैं या नेगेटिव मरीज़ हैं उनका हम ट्रीटमेंट बराबर कर पाएंगे। हमारे VC में हमारे कई इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिसका हम पूर्णतः परिपालन कर रहे हैं। हमारे जो दिशा निर्देश मध्य प्रदेश शासन से दिए जाते हैं, प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, उनका परिपालन किया जा रहा है और कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब के साथ में बैठ के, SP साहब के बैठ में, IG साहब के साथ बैठ कर हम अपनी नई स्ट्रेटजी पर प्रतिदिन डिस्कस करते हैं और सोचते हैं कि किस तरह से हमें कोरोना मुक्त हम उज्जैन को करें और ये हमारी स्ट्रेटजी निरंतर बनी रहती है। हम फील्ड में भी जाते हैं और वहाँ पर भी हम दौरा करके बढ़ना कर, जैसे हमारे कुछ केसेस निकले वहाँ पर भी हमने जाके दौरा करा, हमारे अधिकारी कर्मचारियों को हमने मॉरल वहाँ पर बूस्टअप करा और उनको सावधानियाँ बताई कि हमें किस तरह से सावधान रहना है ताकि अपने को तो बचा के रखना है, साथ में हमारे जो है दूसरे जो नॉन सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, जो नेगेटिव पेशेंट है, जो वहीं पे भी दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं है, उनको अपने आप को किस तरह से होम क्वारंटाइन करके रखना है, कैसे डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, कैसे हाइजीन से अपने आप को सैनिटाइजेशन करना है, किस तरह से हैंड वॉशिंग करना है, ये निरंतर प्रक्रिया हमारी चल रही है और मैं सोचती हूँ कि ये चलते ही रहेगी जब तक कोरोना से हम मुक्त नहीं हो जाएं। अभी क्योंकि आज हम बड़े राहत महसूस कर रहे हैं और सोचती हूँ कि शायद ऐसी राहत हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी कोरोना मुक्त उज्जैन होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम।